एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे एंड सेफ होंगे। फिलहाल मैं थोड़ा, मेरा गला जो है वो अभी ख़राब चल रहा है वेदर के कारण। और जो है ब्लॉगिंग ना मैं बहुत दिन के बाद स्टार्ट कर रही हूँ। आप लोगों ने देखा ही था लास्ट ब्लॉग, जो कि बहुत दिन पहले गया था, कि घर का जो काम है वो चल रहा है। घर के अभी जो इंटीरियर, ये अंदर में बिल्कुल नहीं हुआ है, वो एज इट इज़ ऐसा ही है। बस ऊपर का जो काम है वो कंप्लीट बस हो ही रहा है, चल ही रहा है। फिलहाल मैं अपना बेडरूम दिखाती हूँ, देखिए पूरे ऐसे ब्लैंकेट वगैरह सब मैं ऐसे धूप में रखी हूँ, बिकॉज बाहर जो है वो पुट्टी का काम चल रहा है, इसके बाद जो है घर में बाद में होगा। तो कैसे हैं आप सब? बहुत दिन के बाद आप लोगों से मिल रही हूँ। और ये ब्लॉग भी ना बहुत दिन के बाद ही, मुझे नहीं पता कब जाएगा, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं घूमने, और हम लोग जा रहे हैं बनारस ऐसे दर्शन करने के लिए। तो बहुत दिन से सोच रहे थे, प्लानिंग चल ही रहा था कहीं जाने का तो कि जाना नहीं हो पा रहा था। मुझे नहीं पता ये ब्लॉग कब आने वाला है आप लोगों के पास। फिलहाल अभी उतनी ठंड नहीं पड़ी है यहाँ पर, यहाँ पे ऑलमोस्ट मतलब हल्की फुल्की ठंड है। जैसे मुझे ना अभी थोड़ा सा ये घर बन रहा है, जब से तब से ना थोड़ा सा गले में जो है पेन हो रहा है, ठंड लग जा रहा है। इस कारण जो है ना मैं पूरा टाइम जो है स्वेटर ये मैं पहने रहती हूँ, वेयर कर रहती हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है। बहुत कुछ हो चुका है मेरे साथ, हमारे साथ, जो कि आपसे शेयर करना बचा हुआ है। फिलहाल जो है मेरी पैकिंग अभी बची हुई है, तो चलिए फिर ब्लॉग में बने रहिए। वैसे ब्लॉग मुझे नहीं लगता है कि प्रॉपर तरीके से जाएगा ये ब्लॉग, क्योंकि मैं अभी छुट्टी पर हूँ, लीव पर हूँ। तो देखती हूँ जहाँ तक है वो मैं आपसे शेयर करूँगी। लेकिन देखिए मेरा बेडरूम दिखाती हूँ, इनको मैं अभी धूप में रखी हूँ, क्योंकि ना बाहर पुट्टी का काम चल रहा है। तो वैसे ब्लैंकेट को मैं हमेशा धूप दिखाती हूँ, सारा रूम जो है ऐसे ही तहस नहस पड़ा हुआ, अभी ठीक करूँगी। मेन ब्लॉगिंग का प्रॉब्लम ये हो गया कि ट्राईपॉड गया है टूट, बच्चे दोनों मिल के मेरे ट्राईपॉड को जो है तोड़ दिए हैं, इसके कारण जो मैं ब्लॉगिंग जो कंटिन्यू मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो देखते हैं, मैंने ऑर्डर तो कर दिया, अभी कब तक आएगा ये भी नहीं पता है मुझे। तो बहुत कुछ आपसे शेयर करना है, तो आप ब्लॉग पर बने रहिए। फिलहाल हम लोग को आज निकलना है, हम लोग आज निकलेंगे नाइट 8 बजे निकलेंगे हम लोग रात के। तो फिर वहाँ पे हम लोग भोर भोर में पहुँच जाएंगे। तो देखते हैं कहाँ तक क्या शेयर कर पाती हूँ। तो चलिए फिर बने रहिए वीडियो के एंड तक, होप आप सबको मज़ा आएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं वीडियो में। 99 99। तो फाइनली जो है हम लोग निकल चुके हैं, और हम लोग को निकलते निकलते 8:30 हो चुका था। तो अभी अब कहाँ पर ही है मैं एग्जैक्ट आपको बता नहीं सकती हूँ। फिलहाल हम लोग बहुत ज़्यादा मस्ती किए थे, मतलब रात भर तो हम लोग सोए ही नहीं थे गाड़ी पे। जिनको नींद आ रही थी, हमारी दो गाड़ी गई थी, तो जिन सारे बड़े जो थे वो लोग दूसरे गाड़ी में बैठे थे, और हम लोग जो हैं मतलब हम लोग बहुत सारे लोग हैं, हम 13-15 लोग गए थे। मेरे मम्मी पापा भी गए थे, उनकी एनिवर्सरी भी है आज। तो एक क्लिप जो है ना वो मेरे से मिस हो गया है, वो मम्मी पापा के जो एनिवर्सरी का केक कटिंग किए थे वो ना मुझसे मिस हो गया। तो रात भर की जर्नी के बाद ये देखिए एकदम अर्ली मॉर्निंग की है ये, 6:30 अराउंड ऐसे कुछ टाइमिंग हो रहा था। लेकिन देखिए आपको लग नहीं रहा होगा कि ये 6:30 का टाइमिंग है, इतनी रश थी इस टाइम भी, मतलब रह रहे के लोग, मतलब जितनी बार गाड़ियाँ आ रही थी इतने इतने सारे लोग भर भर के उसमें आ रहे थे। तो अभी तक तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब ठंड ठंड है यहाँ पर भी, ठंड है अभी बहुत ज़्यादा ठंड है ये नहीं बोलूँगी, क्योंकि हम लोगों को अभी जाना है नहाने के लिए, क्योंकि अगर अभी नहीं जाएंगे तो बाद में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। वैसे हम लोग जब गए थे तब भी काफ़ी भीड़ हो चुकी थी, देख ही रहे हैं आप लोग सारे लोग। तो चलिए फिर निकलते हैं नहाने की तरफ। तो ये सब हम लोग गए थे, सनी मेरे हस्बैंड, मतलब मेरे देवर, मेरे हस्बैंड, मेरा भाई, ये है माही, पापा, पीछे भैया भी हैं जो मेरे जेठ जी हैं, बड़ी वाली बुआ के बेटे, तो भैया भी हैं, मम्मी पापा भी हैं हम लोगों के साथ, और एक अंकल आंटी भी गए थे, और अंकल आंटी और उनकी एक बहन है आंटी की, हम लोग इतने सारे लोग गए थे।
थे ना यहाँ इतनी फॉग रही, मतलब फॉग फॉग था। हम लोग मॉर्निंग में आए थे तो उस टाइम तो कुछ क्लियर दिख ही नहीं रहा था, धीरे धीरे जैसे ही धूप आ रहा था फिर क्लियर हुआ सब कुछ। बट हाँ, बहुत ज़्यादा जो धूप है वो नहीं बोलूँगी आया था, हाँ हल्की फुल्की धूप आई थी। नहाने में बहुत ही मज़ा आया। एक्चुअली ना मैं फ़ोन चेंज की हूँ तो मेरे फ़ोन के कारण ना जो है वीडियो क्लिप्स जो हैं वो थोड़ी मिस हो गई है। और सही बताओ ना, मैं ब्लॉगिंग के एक जो उद्देश्य होता है उसके कारण मैं बिल्कुल भी नहीं गई थी। मैं बस हम लोग ना वहाँ पे पूरे इन्जॉय करने वाले थे, इसलिए ना मैं वहाँ पे जो है ब्लॉगिंग बिल्कुल भी अच्छे से नहीं की हूँ। बस ऐसे छोटे छोटे से जो क्लिप्स हैं वही मैं आपसे शेयर कर पा रही हूँ, क्योंकि मैंने सोच के रखा था कि बिल्कुल भी ब्लॉगिंग नहीं करूँगी। बस छोटे छोटे वीडियोज़ जो हैं वो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि ये हमारे लिए भी एक मेमोरी रह जाती है बाद में, कि बच्चे थोड़े बड़े होंगे फिर वो लोग भी देखेंगे। तो ऐसा है वहाँ का कुछ नज़ारा जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो यहाँ पे 80 घाट है टोटल, तो हम लोगों ने सारे 80 घाट तो नहीं देखे, ऑलमोस्ट देखा है जितना भी होगा, ज़्यादा नहीं देखा है, बट जो जो सामने था वो हम लोगों ने देखा है। तो वैसे भी सारे घाट तो सेम ही है, तो फिर क्या 80 घाट पूरे इतने लंबे। शाम की जो आरती रहती है वो मेन रहता है, वो हम लोगों ने देखा है। ये मेरा बाबू तो बहुत इन्जॉय किया, माही भी बहुत इन्जॉय की। उन लोगों का तो मुझे लगता है ये फर्स्ट ट्रिप रहा, क्योंकि जब तक इन लोग जब लोग छोटे थे उसके बाद जब थोड़े बड़े हुए तो कोविड स्टार्ट हो गया। कोविड स्टार्ट होने के बाद फिर स्कूल ये सब चल रहा था, हस्बैंड का ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा था, वो काम अटका हुआ था। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने गंगा स्नान सब लोगों ने कर लिया था, हम लोग रेडी भी हो गए थे। बस अभी जा रहे हैं मंदिर दर्शन के लिए, जो कि वहाँ पर मोबाइल ले जाना बिल्कुल अलाउड ही नहीं है। मैंने कोशिश की थी कि शेयर करूं कि जो हमारा गाइड था वो क्या बोल रहा है, सारे घाट जितने हैं उनके नाम बता रहे थे, हमको दिखा रहे थे, बट ना इतना ज़्यादा वो जो नाव है उसका साउंड इतना ज़्यादा था कि ना मोबाइल पे बिल्कुल अच्छे से नहीं आ रहा है। और मंदिर पे जो है मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है। तो बस यही सारे घाट जो हैं, और ये मोदी जी ने बनाया है यहाँ पे, जो ये टेंट लगा हुआ है, कैंप लगा हुआ है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोग सोच रहे थे जाने का, बट टाइमिंग हो जा रहा था मंदिर बंद होने का, इसलिए हम लोग सोचे कि चलो यहाँ पे फिर कभी एक बार और जाना है तब हम लोग यहाँ पे घूम लेंगे। बट पहले जो मेन है हम लोग का दर्शन करना भगवान जी का, वो कर लेते हैं। और ये जो देख रहे हैं ये सब जो जितने बर्ड्स हैं ना, ये एक टाइम पर ही यहाँ पर आते हैं, इस टाइम पर रहते हैं, इसके बाद ना ये फिर दूसरी जगह चले जाते हैं। ऐसे ही हम लोग जब इलाहाबाद गए थे तब भी हम लोगों ने ऐसे ही वहाँ पे जो ये बर्ड्स है हम लोग देख रहे थे, और हम लोग ना इन लोगों को खाना भी दिया था। तो चलिए फिर मिलते हैं मंदिर के बाहर। मंदिर दर्शन जो है बहुत टाइम हो गया था कि हम लोगों को बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, उसके बाद हम लोगों ने लंच वगैरह किया, उसके बाद हम लोग थोड़ा घूमने आ गए क्योंकि हम लोगों को आज रिटर्न भी जाना है। तो ये है सारनाथ टेंपल आए हुए थे हम लोग, जो कि जो गौतम बुद्ध के पास से इससे, और गौतम बुद्ध जी का जो टेम्पल है बहुत ही सुंदर लग रहा था ये देखने में, मतलब। और यहाँ पे जो आए हुए थे फॉरेनर्स, हम लोगों ने फ़ोटो भी क्लिक करवाया था उन लोगों के साथ, जो कि मैं आप लोगों से बाद में शेयर करूँगी। तो बहुत अच्छा लगा, मतलब वो बोलते हैं ना एक शांति, मन को शांति, दिल की शांति जो है ना इस मंदिर में आके हम लोगों को लग रहा था। और यहाँ पे जो ये वाला रहता है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये बुद्ध जी का। तो इसका मैंने अलग से छोटे छोटे क्लिप्स जो है वो मैंने इंस्टा पे भी पोस्ट किया हुआ है, आप लोग चाहे तो चेकआउट भी कर सकते हैं। बस मैंने बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया है मैंने,
तो बस ये लास्ट ही है, इसके बाद हम लोग गंगा जो है शाम को गंगा आरती के लिए भी जाएंगे। और बस ये मंदिर के बाद देखने के बाद तो निकलते निकलते हम लोगों को यहाँ से अंधेरा ही हो चुका था। तो चलिए फिर हम लोग आरती देख लेते हैं, उसके बाद आरती देखने के बाद जो है इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। होप आपको ये बनारस का छोटा सा टूर जो था मेरी तरफ से वो अच्छा लगा होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय। और चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। टाटा बाय बाय, सी यू नेक्स्ट ब्लॉग।